एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केरकर है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं चाइल्ड साइकेट्री भी प्रैक्टिस करती हूँ और हम अकोला में प्रैक्टिस करते हैं इन महाराष्ट्र। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको डिसलेक्सिया के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको डिसग्राफिया, इस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो डिसलेक्सिया में हमने देखा कि पढ़ने में तकलीफ़ होती है, डिसग्राफिया में होता ऐसा है कि लिखने में तकलीफ़ होती है। जैसा कि हम राइट हैंड से लिखते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जिन बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उनमें दो लेफ्ट हैंड्स होते हैं, मतलब उनका राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड जैसा काम करता है। अगर आप एक एग्जांपल है कि आप ट्राई करें अपने लेफ्ट हैंड से, अगर आपने ट्राई किया लिखना तो काफ़ी बार अगर आप ध्यान दे के ना लिखे तो आपका मिरर इमेजिंग जो होता है, मिरर पी जो है, आप क्यू जैसा लिखेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपना जो लेफ्ट हैंड है वो राइट ब्रेन की ऑर्डर फॉलो करता है और राइट ब्रेन में अपने हम जो लेटर्स लिखते हैं उसकी मिरर इमेज बनती है। इस वजह से जब हम लेफ्ट हैंड से लिखने जाते हैं विदाउट एनी अटेंशन तो वो पी का क्यू होना बहुत कॉमन है। तो जो जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है उन बच्चों में ऐसी ब्रेन में ऐसी वायरिंग होती है कि दोनों जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड जैसे काम करते हैं, तो इस वजह से वो बहुत कंफ्यूजन होता है लिखने में। बी को डी लिखते हैं, पी को क्यू लिखते हैं, लेटर्स में कंफ्यूजन होता है, वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है। इस वजह से लिखना बहुत टैक्सिंग हो जाता है, लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत टाइम लगता है लिखने में, बहुत अटेंशन लगता है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे का आईक्यू कम है, इंटेलेक्चुअल जो कोशेंट है, जो बुद्धिमत्ता होती है वो नॉर्मल होती है इन बच्चों में, क्योंकि वो बाकी सब चीज़ों में बहुत होशियार होते हैं, पर ओनली इन राइटिंग एंड रीडिंग ये प्रॉब्लम्स आती है। तो उस वजह से क्योंकि स्कूल में और पढ़ाई करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो वो पीछे रह जाते हैं। बाकी चीज़ें जो होती है लिखने के वक्त वो होती है कि बहुत स्लो, बहुत हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है, लिखना जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, स्पेसिंग वर्ड्स के बीच में का स्पेसिंग बढ़ जाता है, कम हो जाता है। मतलब कोई बुक देखो आप ऐसे बच्चे की तो उसमें बहुत सारी रेड मार्क्स होंगी, टीचर्स उनको हमेशा बैड रिमार्क्स देंगे, कम मार्क्स देंगे, हमेशा हर जगह करेक्शंस होंगी। एक ही मिस्टेक अलग अलग टाइप से, एक ही स्पेलिंग अलग अलग मिस्टेक्स वो बच्चा करता है, एक ही स्पेलिंग में कभी एक लेटर खा जाता है या फिर दूसरा लेटर खा जाता है, तो उसमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं होती मिस्टेक्स में भी, जैसा तब उसका ब्रेन चलता है वैसा वो लिखता है। इस वजह से एग्ज़ाम में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, एग्ज़ाम में जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो लिख नहीं पाता, जो लॉन्ग आंसर्स है वो शॉर्ट में लिख के आता है, वन वर्ड में जो शॉर्ट आंसर्स है वो वन वर्ड में लिख के आता है, कम से कम लिखना पसंद करता है, अवॉइड करता है लिखना। तो कभी कभी इन चीज़ों की वजह से पेरेंट्स को लगता है कि ये अवॉइड कर रहा है, बात नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, हमेशा खेलता रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। पर ये सारी कारण हो सकती है क्योंकि जिस वजह से आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं वो लिख रहा, क्यों मिस्टेक्स हो रही है, क्यों कोप अप नहीं कर पा रहा स्टडीज़ के साथ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और ये डायग्नोसिस अगर होता है आपके बच्चे में कि ये प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बाकी अपने जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है उसमें कुछ कंसेशंस अवेलेबल है इन बच्चों के लिए, तो ये इस चीज़ का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपको कभी जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके बच्चे में ऐसा कुछ है तो ज़रूर आप कंसल्टेशन लीजिए साइकेट्रिस्ट से। हम यहाँ अकोला में प्रैक्टिस करते हैं केरकर हॉस्पिटल में, और काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है और फिर इम्प्रूवमेंट भी हुई है। इसके आगे के वीडियो में मैं और कुछ जानकारी लेके आऊँगी उसके। तब तक के लिए धन्यवाद।